आज के इस अवसर के केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, आदि अर्णबाजी जोशी जी, पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, यहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे सांसद, विधायक, राज्यों के मंत्री, सभी राज्यों के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि राजनीति में जिन आदर्शों और मूल्यों को लेकर के हम चले थे, जिन आदर्शों और मूल्यों को लिए चार चार पांच पांच पीढ़ी खप गई थी, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालेगी, अपने आप का विस्तार करेगी। प्रारंभ से ही पार्टी का स्वभाव रहा कि पार्टी हॉरिजॉन्टली जितना विस्तार कर सके करते रहना और कार्यकर्ता का वर्टिकल डेवलपमेंट होते रहना चाहिए। तो एक प्रकार से समक्षितिज विस्तार होता चले और दूसरी तरफ कार्यकर्ता का विकास नई नई ऊंचाइयों को पार करता चले, और उसी परंपरा का परिणाम है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार नई नई पीढ़ी मिलती चली जा रही है और जो अपने कालखंड में उत्तम से उत्तम सेवा करके पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल होती है। मेरा सौभाग्य रहा है कि यहां बैठे हुए सभी वरिष्ठ जनों के हाथ के नीचे पार्टी का काम करने का मुझे अवसर मिला है। कभी राज्य में तो कभी राष्ट्रीय स्तर पर इन सब की उंगली पकड़ करके चलने का मुझे मौका मिला है, और इसलिए हमारी पार्टी में वरिष्ठ जन अपने साथी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे उसको बल देते हैं, उसको अवसर देते हैं, वो हम लगातार अनुभव करते हैं, हर स्तर पर अनुभव करते हैं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष अमित भाई और 2014 का चुनाव जो राजनाथ जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे थे, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव अब लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया हो गई है। अकेले में तो सब दल बोलते हैं कि बार बार चुनाव, लेकिन जब सामूहिक स्टैंड लेना होता है तो हर एक को कुछ न कुछ कठिनाई आती है। आमतौर पर हमारी पार्टी का विस्तार संघर्ष और संगठन, इन दो पटरी पर हमारी पार्टी चलती रही। देश हित की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते रहना, संगठन को बढ़ाते चलना,
कार्यकर्ता का विकास करते रहना। लेकिन राजनीतिक दल के लिए सत्ता में रहते हुए दल को चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है।